ओम नारायण नमस्कृत नर च नरोतम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीर मुखं करोति वाचल पंगुं लंगयते गिरी जत्पादम वंदे परमानंद माधव निगम कल्पतरुर्गलित फलं सुखमुखदृतद्रव्य संयुक्त पिबत भागवत रसमलय मुरौ रसिका भुवि भावुक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मोर भगवत प्रेमी श्रोता बंधुगण, प्राचीनंद चैनल राजी सन्धर भागवत चर्चा को पुणी आपण मान स्वागत जनाई आरंभ करिबा आसंतु। एही भागवत चर्चा आम आपूर्वर शुणु थिले नवम अध्याय थिले प्रथम स्कंदर। एठी पितामह भीष्म तांकर जो इच्छा मृत्युरे सोइथिले आउ सरसज्जा उपरे सेतेबेले समस्त ऋषि माने ओ पांडव माने मध्य तांकु देखिबा पई जाइथिले। एही समय रे भगवान श्रीकृष्ण तांक सामनारे थिले, से मध्य तांकु देख दर्शन करिया पई जाइथिले। आ से कहुथिले, प्रभु मोर शरीर त्याग हेबा पर्यंत आपण मो सामनारे रुहंतु। आ प्रभु शुणीथिले आ मध्य रहीथिले सेठी। या परे कौन है आसत शुणा तक दर्शन रे शरीर रे अनुभूत हो शस्त्राघात पीड़ा दूर हुई तांक प्रति विशुद्ध धारणा द्वारा समस्त अशुभ नष्ट हो गला। तहु से समय इंद्रियर वृत्ति विलास को तहु से समस्त इंद्रियर वृत्ति विलास को त्याग करी प्रेमपूर्वक भगवान स्तुतिगान कले। भीष्म कहले, अनेक प्रकार साधना द्वारा अत्यंत शुद्ध और कामनाहीन हो जा मोर बुद्धि को श्रीकृष्ण का पादपद्म समर्पित करुच्छे। से श्रीकृष्ण सदा निजर आनंदमय स्वरूप स्थित रोते केबे केबे विहार तथा लीला करने इच्छा रे प्रकृति को स्वीकार करती जहाद्वारा ये सृष्टि परंपरा गढ़ी चलती। जहाँ शरीर त्रिभुवन सुंदर और तमालपत्र सम श्यामल जार उपरी भाग में सूर्य रश्मि सम पीतांबर लहर थाए जहाँ मुखार बिंदे कुंचित अलका शोभा पाए से ही अर्जुन सखा श्रीकृष्ण ठार मन निष्कपट प्रीति हो युद्ध समय विलक्षण छवि मोर स्मृतिपटर को आसी जाऊँगी। तांको मुख उपरे पड़ीथिबा अलका समूह अश्वपद धूलिरे धूम वर्ण धारण करिथिबा बेले से मुख पद्मरे छोट छोट स्वेद बिंदु तार शोभा वर्धन करथाय। मो द्वारा निक्षेपित सर तांकर चर्मबिद्ध करथाय। सेहि सुंदर कवच मंडित श्रीकृष्णंक ठारे मोर आत्मा समर्पित होइथाउ। सखा अर्जुनर कथार सीए तुरंत पांडव कौरव सेना मध्यस्थल को रथ चलाई आणिले एवं सेठारे थाई निजर दृष्टि द्वारा जी शत्रुपक्ष सेनांकर आयु को झिंकी आणिले से पार्थ सखा कृष्णचंद्रंक ठारे मोर परम प्रीति हेउ। सेतेबेले अर्जुन कौरव सेना मुख्य आंब मानंकु देखिनै पाप हेबा आशंकारे स्वजनबद्ध विमुख हेबारु जे गीता रूपरे आत्मविद्या उपदेश देइ तार सामयिक कुमति हरण कले से ही परम पुरुषंक चरणरे मोर रति हेउ। श्रीकृष्ण युद्धरे अस्त्र धरिबे नाही बोली प्रतिज्ञा करथिले, मात्र मु कृष्ण को अस्त्र धराय देवी बोली प्रतिज्ञा करथिली। मो प्रतिज्ञा रक्षा करिबा उद्देश्य रे से निज प्रतिज्ञा भंग करि शस्त्र धारण करथिले। सेतेबेले से सुदर्शन धारण करी रथरु ओल्हाई हस्ती उपरे सिंहर आक्रमण सम मो आड़ को झपड़ी आसिले। तांक धावन रे पृथ्वी कंपी उठिला ओ तांक कांधर उत्तरी उड़ीगला। मु आत्मताई तीक्ष्ण बाण मारी तांक शरीर रे कवच भग्न करदेली ओ तांक सारा शरीर रक्ताक्त होइगला। तहु से मते बधिबा पई दौड़ी आसिले। एहा सत्वे भी जेउ श्रीकृष्ण मो प्रति अनुग्रह और भक्तवत्स तले पूर्ण थिले से एकमात्र मोर गति हुंतु। अर्जुनंकर विजय रथरे सारथी होई वाम हस्तरे असुर जो दक्षिण हस्तरे चाबुक धारण करी शोभा पाउथिबा जे श्रीकृष्णंक दर्शनरे से युद्धरे मृत्युप्राप्त होउथिबा वीरमानंकर सारूप्य मुक्ति होइगला तांकर ठारे मुमूर्षु मोर प्रीति हो। गोपांगना मैंने जहाँ ललित गति स्मित हास्य मनमताणिया हाव भाव मोहित हो वृंदावन रासक्रीडे मजि जाते पुणी जहाँ अंतर्ध्यान
प्रेमोन्माद लीलार अनुकरण कर तन्मय हो जाते कृष्णचंद्र ठारे मोर प्रेम हो। युधिष्ठिर राजस्वीय यज्ञ शेषे उपस्थित मुनि राजा महाराजा इंगित मो आखि आगे जहाँ को प्रथम अर्घ्य दि जा सम्मानित कर समस्त आत्मा से प्रभु एवं मो आगे दृष्टिगोचर हो गोटे सूर्य अनेक आखिरे भिन्न भिन्न रूपे देखा जाता भाई एक परमात्मा अजन्मा हो द्वारा सृष्ट बहु शरीरधारी हृदय आत्मा रूपे थी बहु रूप से जना जाऊँच से ही भगवान श्रीकृष्ण को मुझे भेदभ्रम सहित हो प्राप्त हो गली। सूत कहले रूपे भीष्मदेव मन वचन दृष्टि द्वारा आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण दृष्टि और वृत्ति द्वारा आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण ठारे निज को लीन कराई शांत हो गले। अनंत ब्रह्मरे तांकर लीन हेबा जाणी सेठारे समस्ते दिवसांते पक्षी भली नीरव हो बसीगले। सेतेबेले देव मानव उभय दुंदुभी बजाइले साधु स्वभाव राजा मैंने तांकर प्रशस्तिगान कले और आकाशरु पुष्प वृष्टि हेला। सनकादि महर्षिगण युधिष्ठिर तत्परे तांकर अंत्येष्टिक्रिया समापन करी किछि दिन पर्यंत शोकमग्न हो गले। मुनि ऋषि मैंने श्रीकृष्ण अनेक रहस्यमय नाम सबको आनंद उच्चारण पूर्वक स्तुतिगान कले। तत्पर निज निज हृदय को श्रीकृष्णमय कराई स्व आश्रम को प्रत्यावर्तन कले। तदनंतर युधिष्ठिरादि भाई मैंने श्रीकृष्ण साथी हस्तिनापुर लेउटी धृतराष्ट्र गांधारी को आश्वासन दे पुणी धृतराष्ट्र आदेश और श्रीकृष्ण अनुमति में निजर परंपरागत साम्राज्य को धर्मानुसार शासन कले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया वैशिक्या प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलम्भो नाम नवम अध्याय। हे मोर बंधु आज एठि सरु जाइछन्ति नवम अध्याय प्रथम स्कंदर नवम अध्याय आमे पुणी आउ थरे आरंभ करिबा। एठि रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।